ओलंपियाड ड्रिल टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. ओके, अ प्रोड्यूसर ब्लेंड्स टू क्वांटिटीज ऑफ राइस, वन कॉस्टिंग 12 रुपी 50 पैसे एंड अदर कॉस्टिंग 14 रुपी पर केजी इन द रेशियो 4:5. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 16 पर केजी. देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. 4:5 का रेशियो है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एवरी 4 केजी क्वांटिटी 1 प्लस 5 केजी ऑफ क्वांटिटी 2 ही इज मिक्सिंग, ऐसा कर रहा है वो, है ना? इज इट क्लियर? 4:5 रेशियो में वो ले रहा है, मतलब एक 4 किलो लेता है तो उसी टाइम पे दूसरा 5 किलो लेता है. अब 4 किलो जो चीज लेता है वो क्या रेट पे ले रहा है? 12.5 पे ले रहा है. और 5 किलो जो चीज ले रहा है वो क्या रेट पे ले रहा है? 14 पे ले रहा है. तो ये कितना आ जाएगा? 25 × 2 = 50. ये कितना आ जाएगा? 15 × 14 = 70. सो टोटल 120 रुपीस का इन्वेस्टमेंट है. कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट है? 120 रुपीस वो इन्वेस्ट कर रहा है. कितने में? कितने में? 9 केजीज में. यू गेट माई पॉइंट और नॉट? भाई 9 किलो की चीज उसने खरीदी, yes, तो 120 रुपए में आई ना टोटल. अब yes. अब वो बेच क्या दे रहा है? ही सेलिंग एट 16 रुपीस पर केजी. सो 9 केजीज कितने रुपए में बेचेगा वो? 144. यस, इज दिस क्लियर? अपन 9 केजी के तो पहले 120 आ गए ना. अरे 120 तो खरीदा उसने बेटा. ओके ओके, अंडरस्टूड. 144 में बेचा, 120 में खरीदा. प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे आप? यस. चलिए आगे. 7, 8, 9, 10 लिख लो. सेलिंग प्राइस पे 20% कमाता हूँ. मतलब क्या हुआ इसका क्वेश्चन का? इफ माई सेलिंग प्राइस इज 100%, वॉट वुड बी माई कॉस्ट प्राइस? 80%. यू गेट माई पॉइंट और नॉट? I earn 20% of the selling price. So if my selling price is 100, 20% of it is my profit. So cost price would be 20% less than SP. Yes, sir. This is clear. But हमारा usually profit किस पे होता है? CP पे होता है. तो CP अगर 100 लेते हैं तो SP कितना लेना पड़ेगा? Is it clear? Cross multiply कर लो. 200 by 80. Your answer will be. 200 by 80 छोटे छोटे डाउट क्यों पूछ रहे हो यार? चले आगे. Okay, let's further move on. Next, 9, 10, 11, 12. Sir, मुझे ना 9, 10, 11, 12, 13 सब में doubt है. सर मुझे 11. Karuna bought a car for certain sum of money. She spent 10% of the cost on repairs and sold the car at a profit of. देखो मैं आपको बताता हूँ, जो जो आपको doubt है सारे देख लो आप. 9th में doubt है ना? Yes sir. क्या लिखा उसने? करुणा ने कार खरीदी, उसमें उसने सर्टेन सम ऑफ द मनी, कुछ पैसा जो उसमें से उसके ऊपर उसने 10% कुछ पैसे रिपेयर में डाला. ठीक है ना? तो 10% ऑन रिपेयर. यस सर. ठीक है ना? ऑफ द कॉस्ट ऑन रिपेयर्स, मतलब अगर 100% में उसने कार खरीदी थी तो 10% और उसका रिपेयर में गया, तो अब कार की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 110% हो गई. यस सर. And she sold the car for a profit of ₹11 at a profit. For a profit of ₹11,000, how much did she spend on the repairs if she made a profit of 20%? अच्छा. Okay, देखो. तो अगर उसने एक कार खरीदी, ठीक है, और उसके ऊपर उसने 10% रिपेयर खर्चा किया, तो उसका प्रॉफिट ₹11,000 है.
तो वो बोल रहा है कि अगर उसने 20% अभी खर्चा किया कार रिपेयर में, हाँ हाँ 20% खर्चा थोड़ी ना किया, 20% she made profit है उधर. अच्छा, how much did she spend on repairs? Okay. So इसने क्वेश्चन में ऐसा बोला, how much did she, क्वेश्चन कुछ और है, रुको, मुझे लगा इसने बोला है कि 20% रिपेयर पे गया. तो अब ये बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट 11,000 रुपए हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% हुआ है. कितना हुआ है? 20% हुआ है. तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ क्या? बहुत सिंपल है. तो यार 20% अगर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, yes, तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है. इज इट क्लियर? लेकिन yes, यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस 110 है क्योंकि 10% तो खर्चा हुआ है. यस सर. ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा परसेंटेज में? हाँ सर, मैं बताऊँ मैंने कैसे किया ये सॉल्व? बताओ आपने कैसे किया, बताओ, शायद वो ज्यादा आसानी से पता चल जाए. बताओ बताओ बताओ. यस सर, अगर प्रॉफिट 20% था तो 20/100 एक्स प्रॉफिट था और प्रॉफिट की वैल्यू भी दी हुई है 11,000. 11,000 इज इक्वल टू 20/100 एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 55,000 और 10/100 इनटू 55,000 इज 5,500. ओके, सो व्हाट यू हैव डन इज के 20% उसका प्रॉफिट है. 20% इज अ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, सो यू फाउंड आउट व्हाट दैट प्रॉफिट इज एक्चुअली, है ना. Yes, so 20/100 into, लेकिन जो 20% profit उसको दिया है तो 55,000 आपका जो amount आ गया, वो 55,000 तो आपका 110% के बराबर है, है ना? हाँ सर, 10/100 into 55,000 is 5,500 आ गया. हाँ वैसा भी कर सकते हो आप, very good, आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये method भी बिल्कुल ठीक है. या आप क्या कर सकते हो, जो ये method हम follow कर रहे थे इसी को मैं rewrite कर रहा हूँ. हमने क्या बोल दिया कि 110% कॉस्ट प्राइस होता, 10% रिपेयर में खर्चा हुआ तो वो प्राइस हो गया 110%. ओके, अब 110% उसका कॉस्ट प्राइस है, अब उसको प्रॉफिट जो हुआ है वो 20% हुआ है, ठीक है. सो 20/100 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीज के बराबर है? सो प्रॉफिट हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और वो कितना दिया हुआ है आपको उसने, 11,000 दिया हुआ है. 11,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 20% ऑफ सीपी होता है, तो सीपी यहां से निकाल लोगे कितना होगा? तो सीपी की एसपी, प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस इज बेटा ऑलवेज ऑन सीपी, ठीक है. तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है और जैसे हम करते हैं हमेशा कैलकुलेशन, तो भाई 20% जो कॉस्टिंग है 100% में से वो प्रॉफिट है, तो 11,000 रुपए किसके बराबर रहे होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11,000 इनटू 100 बाय 20 तो ये 5 आ जाएगा, तो यहां से 55,000 आपके पास सीपी आ जाएगा. ओके, तो 55,000 है वो एक्चुअली सीपी है. अब सीपी कितना है? 110% के बराबर है सर. बट देखो 20% प्रॉफिट है और वो है 11,000. हां, तो अगर हम 20 upon 100 into x into 110 लेंगे तो वो SP की वैल्यू आएगी क्योंकि profit तो SP पे है ना. profit हमेशा बेटा CP पे होता है, SP पे कब निकाला आपने? okay sir, okay, तो 55,000 जो price आ गई ना, ये आ गई आपकी खर्चा करने के बाद, उसने जो उसपे खर्चा किया होगा उसके बाद ये price आई है, तो उससे पहले कितना हुआ होगा? तो भाई 100 is corresponding to how much if 110 is corresponding to 55,000, so we'll get to know that 50,000 is the price over here. ठीक है, 5,000 आ जाएगा. ओके, चलिए आगे. 10th वाला सही है? तो 10th वाला भी डाउट है ना. एक मिनट, 10th वाला भी देख लेते हैं. तो 10th हो गया मेरे से. हाँ, 10th में भी देखो बेटा क्या करेंगे आप. 10th में लिखा है, an article when sold at a gain of 5% yields rupees 15 more than when sold at a loss of 5%. तो ये तो linear equation का question है. 105x/100 - 95x/100 = 15. तो x यहाँ पे cost price आ जाएगी ना. Yes, कर लोगे? नाजरा, 105x/100 का मतलब क्या है? 5%
मोर 95x100 मतलब 5% लेस. समझ में नहीं आया. अरे क्यों समझ में नहीं आया, ये तो क्वेश्चन हम जैसे कर चुके ऑलरेडी. एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5% बेटा 5% गेन में बेचा मतलब उसका प्राइस 105 हो गया ना अभी. यस सर. और 5% लॉस में बेचा तो 95 हो गया प्राइस. तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 15. तो वही लिखा है. ओके सर. फिर 11th क्वेश्चन में देखो. 11th में नीति ऐसे किया आपने भी. नहीं सर ऐसे नहीं. क्या किया आपने सर? गेन 5% सीपी एक्स तो फिर 5/100 एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 20 प्रॉफिट है. फिर लॉस 5% तो 5/100 एक्स मतलब वो समीर आंसर 150 आ रहा है. बिल्कुल करेक्ट. बिल्कुल सही है निति आपका. बिल्कुल ठीक है. आपने 5x/100 माइनस 5x बार का 100 किया क्योंकि वो लॉस था. तो बात तो सेम आ जाएगी. 10x/100 ही आएगा. ठीक है ना. इज इट क्लियर? नेक्स्ट 11 हो गया. 11 में डाउट है ना सर? 11 में डाउट है मुझे. देखो अ मैन बॉट गुड्स वर्थ ₹6000 एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट 10% गेन एंड व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमाइंडर टू गेट अ गेन ऑफ 25% ऑन द होल. बहुत अच्छे. देखो ₹6000 के उसके पास गुड्स है and sold half of them at 10% gain. मतलब 3000 के उसने बेचे. कितने में बेचे होंगे? 10% ज्यादा में बेचे. तो 3300 हुआ होगा वो प्राइस. You getting my point? दूसरे 3000 वाले जो है उसको कितने में बेचेगा वो? He must sell to gain a 25% on the whole. तो पूरे में 25% मतलब पूरा कितने में बेचना चाहिए? 25% मतलब 125/100 × 6000. Yes or no? ये क्लियर है आपको? सर एक्सप्लेन वंस अगेन. देखो मुझे एक चीज बताओ. ₹6000 की चीज है. 3000 में उसने एक लॉट बेचा. 3000 में दूसरा बेचा. एक लॉट उसने बेचा वो कितने में बेचा? 10% गेन में बेचा. 10% गेन का मतलब क्या? एसपी कितना रहा होगा? 110% रहा होगा. यस और नो? यस सर. तो भाई 100% अगर 3000 के बराबर है तो 110% कितने के बराबर रहा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 3300 आ जाएगा. फिर उसने बोला कि मेरे को पूरे ट्रांजैक्शन में 25% का प्रॉफिट चाहिए. तो मैंने बोला भाई 100% अगर बात करूं तो 6000 के बराबर है. तो 125% कितने के बराबर होगा वो निकालना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप. सर 125 75 7500 आ रहा है. बिल्कुल. तो कितना आ जाएगा आपके पास? नहीं 125 का टेबल अगर चलाएंगे 6 बार 7500 आ रहा है. हाँ सही. बिल्कुल सही बताया आपने. 7500 आ रहा है ना? यस सर. तो भाई 3300 तो वो पैसे कलेक्ट कर चुका है. उसको कलेक्ट करने 7500 रुपए. तो और कितने कलेक्ट करने हैं उसको? सर उसको और 4200. बहुत अच्छे. 4200 रुपीज और उसको कलेक्ट करने हैं. तो 3000 की चीज अगर 4200 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा निकाल सकते हो? 3000 को अगर 100% ले ले तो 4200 को कितना होगा परसेंटेज में निकाल सकते हैं ना? तो 4200 × 100 × 3000. नोट कर लो. जीरोस कट कर दो सारे के सारे. 40% यस सर. 40% ओके. नेक्स्ट 12th में भी डाउट है क्या? यस हां सर 12th में भी. अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? सारे के सारे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है. क्यों प्रॉब्लम जा रही है इसमें? अ शॉपकीपर फिक्सेस द एमपी ऑफ एन आइटम 35% एट सीपी. तो सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना है? 135. यस और नो? यस सर. द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%. भाई 8% गेन मिले तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 108 है ना? यस. अभी ये तीन चीजें आपके पास है. अब मुझे एक चीज बताओ. हमें डिस्काउंट एमपी पे देना होता है. तो एमपी अगर 100 है तो डिस्काउंट कितना दिया जाए कि वो 108 को करस्पॉन्ड करे? तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 135 इनटू. वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि मैं सुन नहीं पाई थी. नाजरात आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ पे ध्यान है आपका?
सर इधर बहुत शोर हो रहा है। हाँ चलो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। 12th क्वेश्चन क्या बोला है, एक शॉपकीपर है, वो एमपी को फिक्स करता है 35% अबव सीपी। तो सीपी अगर मैं बोलता हूँ 100 है, तो एमपी कितना है, 135। और यस उसको गेन चाहिए 8%, तो एसपी 108 हो जाएगा। यस इज इट क्लियर? ओके। अब हमसे पूछा गया कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए, तो हमने बोला भाई डिस्काउंट बताने के लिए तो हमें एमपी को 100 लेना पड़ता है और फिर एसपी निकालना पड़ता है। निकाल सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यस तो सर 108। 80। तो ये आप लोगों ने खुद से क्यों नहीं किया, ये मुझे ये नहीं पता चल रहा है, आप लोग खुद से क्यों नहीं करते ये सब। हाँ सर कैलकुलेशन करना आता है, लेकिन जो कैसे करना है वो स्टार्टिंग में नहीं आता ना पहले। ये समझ आ रही है मेरी, जो ये लॉजिक हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ये लॉजिक समझ आता है आपको हाँ सर। कि डिस्काउंट हमेशा फील जो आती है डिस्काउंट की, वो एमपी के ऊपर से फील आती है। तो एमपी 100 लेके हम फीलिंग बता सकते हैं कि भाई 10% डिस्काउंट दो या 20% दो। जब तक हमें एमपी नहीं पता, हम डिस्काउंट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, लेट्स मूव। 13 भी करना पड़ेगा मुझे। सर ये 12th में आप फिर आगे क्या हाँ करना करना है? है तो बेटा 20% डिस्काउंट आ गया ना, भोगे ना। अब क्या है यार, अब क्या है, अब क्या है, 100 वाली 80 में बेचनी है तो 20% अच्छा डिस्काउंट, यस सर यस ठीक है ना। यस ऑप्शन भी पूछ लो मुझसे, ऑप्शन भी मुझे बोलने के लिए बोल दो आप। सर ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, सी, ठीक है यस सर ना। 13th, यस सर यस सर अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड। 13 करना है क्या? हंस यस अच्छा चलो, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस and allows a discount of 40% on the mark price, his loss or gain. एक क्या करता है वो, 40% cost price के ऊपर रखता है और 40% discount देता है। तो भाई CP 100 MP 140 very good। और अगर SP की मैं बात करूं, और जहां सब 180 हाँ SP 180, क्यों भाई 180 डिस्काउंट ले रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट दे अच्छा रहा है, तो 100 100 अब देखो सीपी इज 100, एमपी इज 140, ओके ओके। यस सर नाउ इफ एमपी इज 100, तो व्हाट इज, देखो बहुत ध्यान समझना, एमपी इज 100, एसपी इज 60, यस 40% लेस देन एमपी, सो व्हाट विल बी एसपी ओवर हियर, कैन आई फाइंड आउट, इज इट क्लियर? फिर से क्लियर चलो, बहुत अच्छे, बताऊं क्या, फिर से बताना है। नो सर क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 100 इंटू एक्स इज 140 इंटू 60, सर 84 बहुत अच्छे, वेरी गुड, 84। तो कितने, क्या होगा इसको बेचारे को, क्या होगा, 16% लॉस होगा, लॉस, लॉस 16% लॉस। चलिए आगे, नेक्स्ट 14 मुझे करना है क्या, नो सर नहीं सर 15 16 17 15 15 15 मतलब एक पल की खुशी देते हो आप लोग मुझे। नहीं सर इसके बाद बहुत खुशी है। अच्छा चलो बहुत अच्छा। 15, इफ 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 350 देन बाय सेलिंग इट फॉर 340, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, देखो 5% मोर इज द गेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 350, अगर वो 350 में बेचता है 340 के कंपैरिजन में, तो 5% ज्यादा गेन होता है उसको। तो बोल सकते हैं पहले अगर एक्स परसेंट, पहले अगर जो गेन हो रहा था और अभी जो गेन हो रहा है, तो मान लेते हैं वो 100% की चीज है, ठीक है, वो पहले 100+X% में बेच रहा था, ओके, अभी कितने में बेचेगा, 95+X है ना, यस और नो। तो पहले 350 में बेच रहा था, अभी 340 में बेचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यस सर तो यस 100 सर प्लस एक्स इंटू 340 इज 95 प्लस एक्स इंटू 350, जीरोस कट गए, आई थिंक अब आप कर लोगे। तो यहां से बेटा एक्स निकल आएगा आपको, तो अगर एक्स निकल आया आपको, तो आपको क्या पता चल गया, ये सेलिंग प्राइस है, तो एक्स निकल आया तो निकाल ही लेते, चलो 34, 3400 प्लस 34x
इज 95 इनटू 35 प्लस 35x, तो ये तो कट गया, यहां से x बच गया, तो 34 इनटू 100 माइनस 95 इनटू 35 इज x. अच्छा कर लो मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट आंसर है यहां से, तो 35 इनटू 95 3325, तो x इज 75, तो पता कैसे चला 175%, और यहां पे कितना पता चला 170%. तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, 175% सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, तो ये कॉस्ट प्राइस एक्स निकाल लोगे इन दोनों के यहां से, भाई 100 इनटू 350, अरे डबल है ना, 200 आ जाएगा, सिंपल सिंपल, करने की भी जरूरत नहीं है. पता चला कैसे, 175 का 350 तो 100 का 200. बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट हो गए आप लोग. चलो 16, 17, 18, 19, 20, कोई डाउट है? 21, 21, 23, 21 नहीं है, 23, 21. देखो 21, a shopkeeper gives 12% additional discount on the radio after giving an additional discount of 20% on the labeled price of the radio. If the selling price of the radio is 704, then what is the labeled price? अच्छा अच्छा अच्छा, 12% करके दो बार डिस्काउंट दिया इसने. Yes sir. अच्छा अच्छा अच्छा, देखो तो भाई 100% की चीज थी, पहले 12% और फिर 12%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लग जाएगा. Yes sir. x plus y minus xy by 100, है ना? Yes sir. 24 minus 1.44, yes or no? Yes sir. तो I think ये percentage में निकल जाएगा. Yes sir. कितना आ जाएगा? बनेगा 24 माइनस 1.44, सो दैट वुड बी 22.56% इज अ डिस्काउंट. तो पता क्या चला, 100 वाली जो चीज थी ओके, वो कितने में बेच रहा होगा, जो लेबल प्राइस है, इफ डिस्काउंटेड इज 22.56, तो 100 में से 22.56 माइनस कर दो, तो 77.44 इज बीन सोल्ड एट 704. गेटिंग माय पॉइंट? This is your x. तो x निकाल लोगे. 704 into 100 by 77.4. नोट कर लो. मैंने अलग तरीके से किया था. आपने कैसे किया? तो मैंने देखो 88% 704 हुआ, तो 100% निकाला, तो वो आ गया 800. फिर 800 80% है, तो 100% क्या होगा? तो वो 1000 आया. और 12% ज़्यादा करना पड़ेगा ना? सर मतलब? इसका जो आंसर आ रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन रेडियो आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20. अच्छा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से कर दिया, मैंने 20 को नहीं, मैंने 12 ले लिया, तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है ना? करेक्शन क्या हो जाएगा, पहले वो 20% दे रहा है, फिर 12% दे रहा है बेटा, ठीक है? डिस्काउंट अलग अलग लिखा है. क्या लिखा है? फर्स्ट ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12%. तो क्या देगा, 20 प्लस 12 प्लस 20 इंटू 12 बाय 100, इज इट क्लियर? जीरो कट जाएगा तो 2.4 आ जाएगा, तो 32 माइनस 2.4 तो ये आ जाएगा 29.6%. तो भाई 29.6 किसके बराबर होगा, वो आपको निकालना है. कर लोगे ना यहाँ से? बिल्कुल नजरा, आपका सही आंसर 70.4% corresponds to 704. So how much would corresponds? 100% would correspond to how much? तो 1000 आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट. ओके तो बस आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. 21 के बाद से हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. ओके यस सर. बहुत टाइम मिल रहा है, डायरेक्ट एंड इनवर्स भी पूरा निपटा देना आप, ठीक है ना? डिस्कस करेंगे इसके बाद. यस सर. ओके बेटा, बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर.